मीडिया में कितने दलित पिछड़े हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकारों से जब ये पूछा तो हर कोई हैरान रह गया। राहुल ने अपनी पीसी में आए पत्रकारों से ही ये पूछ लिया कि आप में से कितने पत्रकार दलित, आदिवासी और ओबीसी हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए करीब 250 पत्रकारों में से एक भी दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं था। आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए ये मजा, देखिए इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरा मैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के इस सवाल ने भारतीय मीडिया के जातिवादी चरित्र को भी बेनकाब कर दिया। भारत का मीडिया चंद जातियों के कब्जे में है। मीडिया में आपको दलित पिछड़े ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हम ये बातें यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि बाकायदा रिसर्च में भी ये सामने आ चुका है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया में 90% अहम पदों पर सवर्णों का कब्जा है। मीडिया में आपको एक भी दलित एंकर, एडिटर या रिपोर्टर नहीं मिलेगा। साल 1992 में केनेट जे कूपर ने इंडियन मीडिया में दलितों की भागीदारी पर रिसर्च किया था, तब भी मीडिया से दलित गायब थे और आज भी गायब है। जो इक्कादुक्का दलित पत्रकार है उन्हें भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है। मैं क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया में काम करता हूँ, एबीपी न्यूज के साथ करियर शुरू किया, फिर जी न्यूज के साथ काम किया और फिलहाल इंडिया न्यूज के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना कुछ अनुभव ही साझा करूंगा आपसे कि मुख्य धारा के मीडिया में आप जब अपनी जाति बताते हैं, दो तरीके हैं काम करने के मुख्य धारा में या किसी भी दूसरे विषय में। एक तो आप अपनी जाति छुपा लीजिए, मत बताइए कि किस जाति के हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है तो चौहान से पता नहीं चलता कि आप किस जाति के हैं। लेकिन जब आपका सामने वाला जो आपसे सीनियर है वो पूछता है कि मेरे वहां तो चौहान दलित लगा लेते हैं, वो कहते हैं कि हम राजपूतों के वंशज हैं, वो जानना चाहता है कि आप किस जाति के हैं। वो ये पता करने की कोशिश करता है कि आपकी जाति क्या है, कहीं इस जाति के पीछे आप दूसरा सरनेम चुरा कर सवर्णों की जमात में खड़े होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। आज के दौर में इंडियन मीडिया ने पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया है और लोगों का मीडिया पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मीडिया के सवर्ण पत्रकार जनहित के मुद्दों को उठाने की जगह एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप बता सकते हैं क्या कि भारत का मीडिया, टीवी, अखबार जो आज चलता है वो जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लगता है जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लग रहा है जर्नलिज्म कर रहा है? आपको लगता है कि इस देश में जो चीजें आज खराब है उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है? मानते हैं इस बात को? एंड आई एम वेरी प्राउड कि जो भी इस देश में मीडिया की वजह से चीजें खराब हो रही है ना, जिसको आपको लगता है कि मीडिया की वजह से वो चीजें खराब हुई हैं, मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि इस देश को बिगाड़ने में, इस देश को खराब करने में मेरे लोग हिस्सेदार नहीं है, क्योंकि भारत का मीडिया 90% मीडिया अपर कास्ट लोगों के हाथ में है। कोई दलित आपको रिपोर्टर नहीं मिलेगा, कोई दलित आपको एंकर नहीं मिलेगा, कोई दलित आपको जो है किसी चीज का एडिटर नहीं मिलेगा। यानी जो आपके दिमाग में जो चीजें डाली जा रही हैं, जो मुद्दों से भटकाया जा रहा है, जो एजेंडा सेटिंग की जा रही है, आपको आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, मेरे लोग उसमें हिस्सेदार नहीं है। और मुझे इस बात का गर्व है कि वो इस देश को ऐसा बर्बाद नहीं कर रहे, ये करने वाले आपके ही लोग हैं। आप पकड़िए उनके गिरेबान, उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर ये जर्नलिज्म आपकी नजर में होता है तो भाई हमको ऐसा जर्नलिज्म नहीं करना। भले ही कथित मुख्यधारा मीडिया के सवर्ण पत्रकार दलितों और पिछड़ों की बात ना करे, लेकिन आपका अपना द न्यूज़बीक आपके लिए हमेशा आवाज उठाता रहेगा। मीडिया में दलितों की गैर मौजूदगी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।